संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद एक लिस्ट निकलता है जिसमें सारे टीचर्स को अचानक ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे थे, जिनके रहते हुए ये हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं चला, अगर चलता तो अभया जैसी घटना नहीं होती। देखिए, हमने जो भी हमारे डिमांड्स हैं, जो रिप्लाई मेल हमने किया है, उसको ये बताने के लिए कि हमारे डिमांड्स एग्जैक्टली में क्या है। हमें ये महसूस हुआ ओवर द फोन चीफ मिनिस्टर मैडम के साथ डिस्कशन करते हुए कि उन्हें डिमांड्स क्लियर नहीं पहुंचे हैं या उन्हें पता नहीं है। इसको लेकर हमने डिमांड्स को क्लियरली बताया है कि एग्जैक्टली में क्या डिमांड्स हैं, कैसे उनको लागू करना है और उसका इफेक्ट हेल्थ सिस्टम पर कैसे है। हम लोग शुरू से ही बोलते आए हैं कि ये सारे डिमांड्स दूसरे अभया ना हो और अभया को इंसाफ मिले, इस पर आधारित है। तो आप मेल में जब पढ़िएगा तो क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन क्यों चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के हेड पे जो इंसान मौजूद होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि हेल्थ सिस्टम ठीक तौर से चले। अब चूंकि ये इंसिडेंट, इतनी बड़ी घटना, अभया जैसी घटना एक मेडिकल कॉलेज में हुई है और इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है कि थ्रेट कल्चर है और कॉलेज में जो अलग अलग तरीके के मेडिकल कॉलेजेस में जो करप्शंस हैं उनको देखते हुए हेल्थ सेक्रेटरी का ये रोल बनता था कि वो उसको जल्द से जल्द ठीक करते। एक बार अख्तर अली ने भी ये कंप्लेन पहुंचाया था। तो ये सब ना करते हुए इसको ढिलाई बरती गई। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये रेजिग्नेशन मांगा। फिर हमने देखा कि स्वास्थ्य भवन से ही संदीप घोष का ऑर्डर पास हो जाता है, संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद एक लिस्ट निकलता है जिसमें सारे टीचर्स को अचानक ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे थे, जिनके रहते हुए ये हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं चला, अगर चलता तो अभया जैसी घटना नहीं होती, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पद से इस्तीफा दे और उनको हटाया जाए। सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी है, ये एक हमने कहा। उसी के साथ साथ जो बाकी अभया जैसी घटना ना हो, एक पेशेंट जब एक मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसको परेशानी इस बात की होती है कि यहाँ बेड खाली है कि नहीं। उसके लिए हमने सेंट्रल रेफरेंस सिस्टम में अपने इनपुट्स भी दिए हैं, सजेशन भी दिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि क्लैरिटी रहे ताकि पेशेंट परेशान ना हो और उसका गुस्सा डॉक्टर्स पे ना निकले, पेशेंट और डॉक्टर रिलेशन एक ठीक हो। दूसरा, एक बच्चा जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कूल में है और वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, उसके माँ बाप उसके पीछे वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के लेकर अपने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, अगर वो एक मेडिकल कॉलेज में जाता है तो वहाँ जिम्मेदारी प्रिंसिपल, MSVP और टीचर्स की होती है। तो ये जिम्मेदारी सही तौर से हो, उस व्यक्ति, उस स्टूडेंट की आवाज उन तक पहुंचे, इसी के लिए हमने जो कॉलेज लेवल टास्क फोर्स का डिमांड किया है, जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो और वो चुने हुए हो स्टूडेंट के जरिए से, वो वहां जाकर रिप्रेजेंटेशन करें, ना कि किसी गुंडे को लेकर वहां बिठाया जाए। तो ये सुनिश्चित करेगा, तभी माँ बाप चैन की नींद सो पाएंगे। हमारा डिमांड इसलिए भी है, ये सारे डिमांड जो हमने किए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी चीजें और जो कमिटीज हैं, जेंडर हरासमेंट ICC कमिटी, ग्रीवियंस सेल, इसके साथ साथ जो भी और कमिटीज के हमने डिमांड किए जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हो, ये इस जगह से बहुत जरूरी है ताकि माँ बाप को एक मतलब पता रहे कि उनका बच्चा जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है उसको अपना वॉइस देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, ताकि उसको एक कुछ ड्रास्टिक स्टेप ना लेना पड़े, उस पर कोई अटैक ना हो। इसी के साथ साथ देखिए, हम लोग जाएंगे
और हम लोग नाम का लिस्ट हमने अभी नहीं बनाया है, हम लोग जाएंगे, हमें बुलाया गया है, तो हम लोग हमेशा ही एक डायलॉग पे बैठते हैं, बात करते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो, हम ये हमेशा चाहते हैं। हमें 15 दिन 16 दिन अनशन करने के बाद जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो नहीं खा के बैठे हुए हैं, उनके लिए ये वक्त बांध देना हमें लगता है ये उचित नहीं था। और भी सकारात्मक तरीके से डिस्कशन हो सकता था, खुले तौर से डिस्कशन हो सकता था, लेकिन हमें जितना वक्त मिला है अपनी बात को सटीक तरीके से पहुंचाने का, वो हमारे लिए काफी है। अब सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको सुनता है और इम्प्लीमेंट करता है या नहीं। हम बार बार कहते हैं ये सारे पॉइंट्स लॉजिकली हैं और क्या क्या हमें चाहिए वो हमने मेल के जरिए भी बताया है, तो उसको देखा जाए, गौर किया जाए और इन डिमांड्स को, क्योंकि ये वैलिड डिमांड्स हैं, सिर्फ ये काम नहीं होगा, ये इस बेसिस पे नहीं होगा ये कहना ठीक नहीं है। ये काम क्यों नहीं होगा, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। हम तो बता रहे हैं कि क्यों होना चाहिए और ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी बेहतर है। अब जो बात रही कि खाली पदों को भरने की, उसमें कहा गया कि कोर्ट में केस चल रहा है ओबीसी को लेकर, हम ये कहते हैं कि ये एक हेल्थ से रिलेटेड एक अर्जेंट सिचुएशन है। डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, नर्सेज, ग्रुप डी स्टाफ, जो भी, ये लोग एक जनरल पब्लिक को सुविधा देते हैं। अगर इन लोग की कमी हो जाएगी, कमी रहेगी जो भी है, तो इसका भुगतान जनता को ही करना पड़ेगा, जनता को सही तौर से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसका रास्ता ये आप निकालिए कि जितने लोग, जितने चीजों पर केस चल रहा है ओबीसी का, जो नियमित एक रिजर्वेशन है उसको छोड़कर बाकी पदों को भरिए। करने के रास्ते बहुत हैं, अगर करने की कोशिश की जाए तो करने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन हम क्या तब तक इंतजार करते रहेंगे, तब तक लोग मरते रहेंगे या तब तक लोगों को सही तौर से एक फैसिलिटी नहीं मिलेगा जब तक ये केस चलता रहेगा? नहीं नहीं, हमारे अनशनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मीटिंग होगी, उसके बाद वो हंगर स्ट्राइक उठाने के बारे में बताएंगे। यहाँ से हम लोग अपनी आवाज जो अभया के इंसाफ के लिए है, जो लोगों की बातें हैं जो हमसे बोली गई हैं दिन हर दिन, और जो जो डिमांड्स हैं हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने ये आज प्रोग्राम रखा है, जहां पर हम लोग ये क्लियर कट बताना चाहते हैं कि हमारा क्या स्टैंड है, हम क्या चाहते हैं, जो हम बार बार बताते आए हैं, हम जोर से बताना चाहते हैं, चिल्लाकर बताना चाहते हैं, ताकि आवाज सही कानों में पहुंच जाए।